पवन नारा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और क्या डिटेल मिल रही है, कैसे हुआ ये सब कुछ? समझना होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर सर्वर का फेलियर है। ये वो बैकएंड सर्वर है जिसके तहत ये सारी कंपनियां काम करती हैं। अगर आप वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एयरलाइन बुकिंग से लेकर वेब चेक इन और बिलिंग, ये सारे बैकएंड जिस सर्वर पर काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर सर्वर है जो फेल हुआ है, जिसका असर ये हुआ है कि टर्किश एयरलाइन के अलावा हिंदुस्तान में अगर हम बात किया जाए तो स्पाइसजेट और इंडिगो भी उसी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो यात्री बुकिंग, चेकिंग या फिर पेमेंट करना चाहते हैं वो सभी सर्विसेज नहीं हो पाने की वजह से वो सब इम्पैक्ट हुआ है। इसी तरह के सर्वर का इस्तेमाल बहुत सारे चैनल्स अपना इस्तेमाल करते हैं बैकएंड सर्वर के तौर पर, फाइल शेयर से करके फाइल प्ले करने तक के लिए, उसमें दिक्कत होने की वजह से वो अपने बैकएंड पर एक्टिवेट सर्वर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए स्काई न्यूज़ जो लंदन का है उसमें भी खामी आ रही है। इतना ही नहीं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लंदन ट्यूब जिसको लंदन मेट्रो कहते हैं उसकी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। भारत में भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो इस तरह के सर्वर पर काम करती हैं, भले ही वो UPI हो, नेट बैंकिंग हो या फिर पेमेंट गेटवेज हो, वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और उसके इफेक्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जो जो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर सर्वर का बेस सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वहां पर डिजिटल लॉकडाउन है। अगर आपको दिखाएं, पवन जरा सा इसको आसान करें मेरे लिए, जितनी भी WWW वाली वेबसाइट्स हैं यानी उन सबके साथ दिक्कत हो रही है या कुछ स्पेसिफिक? देखिए, आपको यह समझना होगा कि अलग अलग वेबसाइट अलग अलग सर्वर पर होस्ट होती हैं, लेकिन जितने बड़े ट्रांजैक्शन वाली साइट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट को रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखते हुए हैं। तो जिन जिन का सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर है वो कंपनीज इससे प्रभावित हुई हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मेन सर्वर जो है वो इससे अफेक्ट हुआ है। सर्वर कुछ इस तरीके से, WWW के साथ जो जो साइट्स होती हैं वो अलग अलग सर्वर पर होस्ट होती हैं। तो जो साइट माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर होस्ट हो रही हैं उनको दिक्कत आ रही है। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए भी प्राइस डिराइव करने के लिए क्या कीमत चल रही है, क्या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं किसी शेयर के लिए, तो उसका सारा बैकएंड भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर है। यही वजह है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज और ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर ऐसा समझ सकते हैं कि जिन जिन कंपनियों ने अपने मेजर कंप्यूटिंग जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट को दी है वहां वहां दिक्कत आ रही है, उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा। एक पवन नारा सवाल का जवाब और दीजिए, अगर अभी आप तक जो भी आपने स्टडी की उसमें ये बात सामने आई, क्योंकि हर एक आम आदमी के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, जो उड़ान अभी हवा में है उनको कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, वो ATC से कनेक्ट हो पा रहे होंगे आसानी से? देखिए, ATC से जो कनेक्शन होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार के जरिए होता है। ठीक है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार में शायद इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई ATC टावर अगर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का इस्तेमाल फ्लाइट लैंडिंग मैनेजमेंट के लिए कर रही है तो ये जरूर असर हो सकता है कि उन फ्लाइट्स को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाए। लेकिन जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, मेजर फ्लाइट कम्युनिकेशन नेविगेशन अलग है और ATC से कम्युनिकेशन अलग है। तो नेविगेशन इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर हो रहा है तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग एरा का मैकेनिज्म है जिस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ज्यादातर असर फ्लाइट मैनेजमेंट, टिकट बुकिंग, लेकिन ये इतनी बात भी बड़ी खतरनाक सी लगती है पवन। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी उसने इस तरह की सिचुएशन से निपटने का कोई इंतजाम तो करके रखा होगा, कोई बैकअप प्लान तो होगा उसके पास? देखिए, इस तरह के जब भी कोई सर्वर होते हैं सारा डेटा और सारा ऑपरेशन एक सर्वर पर बेस्ड नहीं होता, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग सर्वर होते हैं जहां ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर तुर्की से लेकर ब्रिटेन तक और ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस तरह की दिक्कत आ रही है तो एक स्पष्ट जो मैसेज या कहें कि इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मल्टी लेवल पर सर्वर फेलियर हुआ है, क्योंकि अल्टरनेट सर्वर का एक विकल्प होता है। अगर हम बैंकिंग के नजरिए से समझें तो बैंक का सारा डेटा किसी भी एक सर्वर पर नहीं होता, वो मल्टीपल लेयर्स में होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है
तो ये माना जा सकता है कि ये फेलियर वाइड कॉन्टिनेंट वाइड है, यानी वर्ल्ड वाइड फेलियर है और मल्टीपल लेवल्स पर फेलियर है। अभी अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पर भी बहुत सारी जानकारियां तेजी से नहीं आ रही हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी इसका असर हो, क्योंकि सोशल मीडिया के भी बहुत से सर्वर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसका लार्जर इंपैक्ट कितना है उसको असेस करने में भी टाइम मिलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ना सिर्फ प्राइमरी सर्वर फेल हुआ है बल्कि सेकेंडरी बैकअप सर्वर में भी इंपैक्ट है, इसीलिए इसका असर इतने बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। पवन, अब अगला सवाल ये जो सब जानना चाहते हैं कि कब तक रीस्टोर हो सकता है, क्या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया, उनकी तरफ से कुछ बताया गया कि हम अगले एक घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में रीस्टोर कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? देखिए, फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर मैं आपको एक स्पाइस जेट का वर्जन सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि वो भी किस तरीके से अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर्स को भी अभी कोई जानकारी नहीं दी है। स्पाइस जेट की तरफ से कहा गया है, वी आर करंटली फेसिंग ए टेक्निकल इशू इन प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन फ्लाइट डिसरप्शंस, आवर टीम इज एक्टिवली वर्किंग टू रिजॉल्व द इशू, वी रिग्रेट फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज एंड विल अपडेट यू वंस द इशू इज रिजॉल्व, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कॉपरेशन। यानी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेंडर्स को, या कहें कि अपने लाइसेंस्ड यूजर्स को कोई जानकारी नहीं दी है।